जो भी कुत्ता जैसा भी भोगता है भोगने दो, जो भी ब्रीड का जैसा भी भोगता है भोगने दो, तुम्हारी हैसियत नहीं कि मैं तुमको जवाब दूं। अरे मेरा तो एक एमपी है, तू तो बेघर है, तेरा क्या जवाब दूं। आमदार अकबरुद्दीन ओवैसींनी राज ठाकरे यांच्यावर टीका करताना काय म्हटलेलं आहे पाहूया। मैं किसी का जवाब देने नहीं आया, मैं किसी को बुरा बोलने नहीं आया, जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी हैसियत नहीं कि मैं तुमको जवाब दूं। अरे मेरा तो एक एमपी है, तू तो बेघर है, तेरा क्या जवाब दूं। तू तो गुमनाम है, तेरा क्या जवाब दूं। तू तो नाखलफ है, घर से निकाला गया था, तेरा क्या जवाब दूं। मैं क्या जवाब दूं? दूंगा जवाब जरूर, आऊंगा एक दिन फिर आम खास मैदान में, बहुत जल्दी आऊंगा। अकबरुद्दीन ओवैसी लड़ेगा अपनी पसंद के मुकाम पे, अपनी पसंद के वक्त लड़ेगा। तुम्हारी पसंद के मुकाम पे नहीं, तुम्हारे पसंद के वक्त नहीं, वक्त मैं तय करूंगा, मुकाम मैं तय करूंगा। क्या आप डरे हुए? क्या घबराए हुए? यही बात है, आपने कुछ नहीं कहा। अरे आज इस मुल्क में नफरत की बातें की जा रही है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी नफरत का जवाब नफरत से नहीं, मोहब्बत से देगा। अजा की बात है, लिंचिंग की बात हो रही है, हिजाब की बात है, लेकिन याद रखो इन सब हालात से क्या तुम डरे हुए हो? डरना भी नहीं चाहिए, तारीख के औराख को उठा कर देखो। मैं बार बार कहता हूं कि मुत्तहिद रहो, इतिहाद पैदा करो। क्यों? कि तादाद में ताकत नहीं होती, इतिहाद में ताकत होती है। मुश्तइल होने की जरूरत नहीं है, जज्बात में आने की जरूरत नहीं है, कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। बेफिक्र रहो, नफरत करने वाले 40% वोट तो ले लिए, लेकिन वो भूल गए कि 60% आज भी इनके साथ नहीं है, वो हमारे साथ। आएगा हर एक का जवाल, हर एक का जवाल आता आएगा। खुदारा नौजवानों से कहूंगा कि जो भी होने दो, जो भी का छोड़ो, मैं तो कहूंगा जो भी कुत्ता जैसा भी भोगता है भोगने दो, जो भी ब्रीड का जैसा भी भोगता है भोगने दो। कुत्तों का काम भोंकने, शेरों का काम खामोश चला जाना है। बस भोंकने दो, जरूरत नहीं है। वक्त और हालात की नजाकत को समझो, उनके जाल में फंसना नहीं, वो जाल बुन रहे हैं, तुमको फंसाना चाहते हैं, तुम फंसना नहीं। खामोश रहो, जो बोलता है बोलने दो, मुस्कुराओ और चले जाओ। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।